इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी तीन गलती कौन सी है जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो एक टॉपर नहीं करता। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और जी चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल पर आपको मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, पहली गलती है जो टॉपर नहीं करता है। दोस्तों, जब टॉपर सेल्फ स्टडी करता है तो वो अपने पास फ़ोन कभी नहीं रखता। ये मेरी बात याद रखना है ना, जब टॉपर सेल्फ स्टडी करता है, केवल किताबों से पढ़ता है, वो अपने पास फ़ोन कभी नहीं रखता। जितने टाइम भी वो स्टडी करता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, वो अपने से फ़ोन दूर रखता है, उसको स्विच ऑफ करके रखता है, इसलिए वो ये गलती कभी नहीं करता, फ़ोन अपने से दूर रखता है। दोस्तों, दूसरी गलती है, जो क्लास उसने ऑनलाइन देखी है या उसको क्लास में पढ़ाया गया है तो उसके वो नोट्स बनाता है, ठीक है। और बंदे क्या करते हैं, वो नोट्स नहीं बनाते, क्योंकि एक टॉपर को पता है कि अगर मैंने नोट्स नहीं बनाए तो आगे चल के मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर मुझे वो टीचर से जाके पूछना पड़ेगा, सर मुझको बता दीजिए, वरना वो क्लास में जो ऑनलाइन देखी थी वो मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी। तो वो टॉपर ना ये गलती कभी नहीं करता, जो भी क्लास वो देखता है उसके हाथों हाथ और साथों साथ नोट्स बनाते जाता है, वो उनके नोट्स बनाता है और बाद में उसको बहुत फ़ायदा मिलता है उन नोट्स से, फिर उनसे ही वो अपनी सेल्फ स्टडी करता है। दोस्तों, तीसरी गलती है, जो वो नोट्स बनाता है वो उनको कभी ऐसे नहीं छोड़ता कि भाई मैंने नोट्स बना दिए, चल भाई उसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। वो ये गलती कभी नहीं करता, उस गलती को सुधारने के लिए वो क्या करता है, अपना टाइम टू टाइम रिवीजन करता रहता है, पर डे रिवीजन करता रहता है, वीकली रिवीजन करता रहता है, मंथली रिवीजन करता रहता है। और स्टूडेंट क्या होते हैं, उसने अपने नोट्स बना लिए, ठीक है, उसको फिर फ़र्क नहीं पड़ा कि मैंने उसको पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना, वो सब भूल जाता है, ठीक है। तो टॉपर ये गलती कभी नहीं करता, वो अपने पास फ़ोन कभी नहीं रखता और प्रॉपर नोट्स बनाता है और प्रॉपर पर डे उसका रिवीजन करता है, वीकली उसका रिवीजन करता है। ये तीन गलती अगर आप भी करते हो ना, तो जो मैंने वीडियो में आपको बताया है, आपको भी ऐसी करना है और इन गलतियों से बचना है। दोस्तों, मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।